हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। हमारे सामने तीन ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है और ये तीनों यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए इसको जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो हमारे सामने है उसमें कौन कौन सी पोस्ट निकली हैं। सबसे पहले निकली है प्रोफेसर की। प्रोफेसर के अंदर यहाँ पर आप देखोगे तो तीन ही वैकेंसी हैं, तीनों ही जर्नल की वैकेंसी हैं। एक है टूरिज्म और ट्रैवल एंड मैनेजमेंट के लिए, दूसरी बॉटनी के लिए और तीसरी केमिस्ट्री के लिए। फिर निकली है एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी, ये निकली है कितने वाली, पांच वैकेंसी। इसके अंदर आपके चार हैं जनरल के लिए, एक है ओबीसी के लिए। उसके बाद में है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी और ये निकली है कि बिजनेस के अंदर। फिर उसके बाद में आप देखोगे टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल हैं 10 और यहाँ पे केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, जियोलॉजी, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, सोशोलॉजी, सोशल वर्क, टूरिज्म और ट्रैवल मैनेजमेंट और ट्राइबल स्टडीज के अंदर एक एक वैकेंसी निकली है। यहाँ पे आप देखोगे तो एससी की एक है, ओबीसी की दो वैकेंसी हैं और एक एडब्ल्यूएस की, बाकी सारी जनरल की हैं। दोस्तों यूनिवर्सिटी का नाम क्या है ये भी हमारे मन में जरूर होगा। चलिए यूनिवर्सिटी का नाम देखते हैं। सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी हमारे सामने वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी और ये है सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश की। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे मतलब आप ये सोचें कि आंध्र प्रदेश बहुत दूर है वगैरह वगैरह, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सारी की सारी इसके अंदर टर्म कंडीशन रूल रेगुलेशन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लागू होते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये है इसकी वेबसाइट ctuap.ac.in, इस पर जाके आप निश्चित तौर से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट डेट की बात है, लास्ट डेट है 23 अगस्त 2022, 25/7 को यहाँ पे फॉर्म निकले थे और लास्ट डेट इसकी हार्ड कॉपी भेजने की है आपकी 2 सितंबर 2022 को। बाकी इसके अंदर क्या है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो हमारे लिए की फीस यहाँ पे 2000 रुपये है जनरल के लिए। बाकी क्वालिफिकेशन वगैरह आप देख लें कि ये जनरल सी हैं, बहुत बार हमने डिस्कस की हैं और एक सेपरेट वीडियो भी इसका लेके आऊँगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा क्या वो वीडियो मुझे बनाना चाहिए या फिर उसकी आप अग्रेसिव यदि उसकी वेट करेंगे। यदि कमेंट सेक्शन के अंदर आपके कमेंट आते हैं तो निश्चित तौर से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो वीडियो बनाएंगे और वो कॉमन सी वीडियो होगी। अब चलते हैं दोस्तों आगे और इसके अंदर जो मैं आपको बता रहा था कि बाकी रूल रेगुलेशन हैं, ये कुछ नॉर्मल सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और आपको पता भी होंगे, नहीं भी हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए, उसके बारे में आपको बता देंगे। यहाँ पे है फीस की, जैसे मैं आपको बता रहा था 2000 रुपये फीस है, ये देखिए 2000 रुपये यहाँ पे मेंशन की गई है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस 1000 रुपये है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए और इसी में आ जाती है महिलाएं, वीमेन कैंडिडेट भी 1000 रुपये यहाँ पे फीस पे करेंगी। बाकी दोस्तों इसके अंदर बिल्कुल नॉर्मल सा है। फिर चलते हैं अगले यूनिवर्सिटी पे। ये दोस्तों हमारे सामने महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी की सबसे पहले मैं लास्ट डेट बताता हूँ, 16 अगस्त 2022 इसकी लास्ट डेट है। फीस यहाँ पे 500 रुपये है, एससी और एसटी कैंडिडेट यदि आप हैं तो 250 रुपये फीस यहाँ पे होगी। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है याद रखिएगा, इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वाइड एक्ट नंबर इतना, जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन है वो आप देख लीजिएगा। अब इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी निकली हैं चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे अब टेक्निकल यूनिवर्सिटी है तो निश्चित तौर से आप आर्ट ह्यूमैनिटी जिसको कहते हैं या फिर कॉमर्स की वैकेंसी की वेट नहीं आप सोच रहे होंगे, स्कैन विद कैम स्कैनर वगैरह ना ही टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, परंतु ये भी नहीं हटाया है। ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि फिर भी जो भी है, यहाँ पे हम चलते हैं फोकस करते हैं वैकेंसी कौन कौन सी। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हैं जो यहाँ पे दे रखी हैं, दो वैकेंसी एक जनरल एक एससी की। इसके अंदर स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट एग्रीकल्चर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर दो वैकेंसी हैं, फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर 4 वैकेंसी हैं। यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल के अंदर प्रोफेसर की है 1 वैकेंसी और यहाँ पे आप देखोगे जी जे स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट एंड प्लानिंग एक प्रोफेसर की और 3 वैकेंसी यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर की हैं। इलेक्ट्रिक इंजीनियर की आप बात करेंगे तो ये है, ये बठिंडा के अंदर सेंटर है, इसके अंदर सेंटर की ये बात है। यहाँ पे 4 वैकेंसी आई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। नीचे यदि आप देखोगे तो नॉन टीचिंग के लिए लाइब्रेरी असिस्टेंट की 2 वैकेंसी यहाँ पे हैं, यदि आप इसको देखना चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। बाकी टर्म एंड कंडीशन रूल और रेगुलेशन सारे के सारे वो होते हैं जो यूजीसी के द्वारा निर्धारित होते हैं, तो इसके अंदर बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये आपको पता ही होगा। अब चलते हैं दोस्तों आगे और आगे देखते हैं कि तीसरी यूनिवर्सिटी कौन सी है। ये है लखनऊ विश्वविद्यालय, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 18/7 को इसकी
एडवर्टीजमेंट आई थी 20 अगस्त 2022, इसकी लास्ट डेट है। ये वेबसाइट दे रखी है तो आधिकारिक वेबसाइट है IKO और UNIV.ac.in, ये है इसकी मतलब वेबसाइट की बात करें तो। ये एडवर्टीजमेंट वगैरह इन्होंने बता रखी है। यहाँ पे है इम्पोर्टेंट सेक्शन जिसको हम कहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। पोस्ट एजुकेशन की वैकेंसी निकली हैं, 4 OBC की हैं और 1 SC की है, और टोटल वैकेंसी की बात करें तो 5 ही वैकेंसी इसके अंदर यहाँ पे आई है असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर। अब थोड़ा सा नीचे करते हैं, यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है, ये कई सारी वैकेंसी ज़रूर हैं। यहाँ पे आप देखोगे 8 के अंदर जिसके अंदर एसोसिएट प्रोफेसर है मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर OBC का, 1 8 के अंदर जिसके अंदर आता है मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री एसोसिएट प्रोफेसर, EWS का 1 है। अप्लाइड इकोनॉमिक्स की बात करें तो कॉमर्स के अंदर 1 वैकेंसी है EWS की, बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी EWS की 1 वैकेंसी है, केमिस्ट्री के अंदर 2 वैकेंसी, दोनों ही शेड्यूल कास्ट की हैं। साइंस के अंदर जूलॉजी की है 1 वैकेंसी OBC की है, और साइंस के अंदर जूलॉजी की और वैकेंसी है 1 EWS के अंदर है। टोटल यहाँ पे वैकेंसी हो जाती हैं आपकी 8 वैकेंसी, ये 8 वैकेंसी यहाँ भी आई हुई हैं। यदि आप नीचे देखोगे तो कुछ वैकेंसी प्रोफेसर की भी हैं। यहाँ पे प्रोफेसर की वैकेंसी जैसे मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर 1 है जनरल की, 1 है OBC की, कॉमर्स के अंदर बात करोगे तो OBC की 1, एजुकेशन के अंदर 1, बॉटनी के अंदर आई है OBC की 2, और यदि बॉटनी प्लांट न्यूट्रिशन की बात करेंगे शेड्यूल कास्ट की 1 वैकेंसी आई है। टोटल वैकेंसी की बात करोगे तो यहाँ पे है आपकी 7 वैकेंसी, 7 वैकेंसी यहाँ पे हैं, 8 वैकेंसी एसोसिएट प्रोफेसर की हैं और 5 वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं। तो आपको टोटल ये 20 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ये दे रखा है स्केल यदि आपको इसका पता करना है तो। बाकी इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं ये देखिए, फीस के बारे में बता रखा है, 1500 रुपये है किसके लिए, जनरल के लिए, OBC के लिए, या फिर आप कहें EWS कैटेगरी, ये सब इसके अंदर शामिल है। SC ST कैंडिडेट के लिए 1200 रुपये यहाँ पे फीस दे रखी है। लास्ट डेट की बात हमने कर ही ली है, जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पे बता रखी हैं, इनका तो आपको पता ही होगा, यदि नहीं पता तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछिएगा, आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मैं फिर याद दिलाता हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जनरल कंडीशन क्या चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या जरूरी है, उसके बारे में एक जनरल सा वीडियो बनाने की इच्छा है। यदि आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे तो वो वीडियो जरूर बनाएंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक दीजिएगा इजाजत, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।